हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम कॉकरोच के मुखांग पढ़ने वाले हैं। यह नीट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्रीकल्चर की एग्जाम्स जो जेट है या फिर ICAR है उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, क्योंकि उसमें टिड्डे के जो मुखांग हैं वो दिए हुए हैं। कॉकरोच के और टिड्डे के मुखांग एक ही प्रकार के होते हैं, वो होते हैं काटने और चबाने प्रकार के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इसके मुखांगों के प्रकारों की। तो कॉकरोच के मुखांग काटने और चबाने प्रकार के होते हैं, काटने और चबाने प्रकार के होते हैं। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के इसके मुखांग होते हैं, काटने और चबाने प्रकार के होते हैं। इस तरह के जो मुखांग होते हैं काटने और चबाने के इंसेक्ट्स में, ये काफी प्रिमिटिव प्रकार के, प्रिमिटिव टाइप्स के मुखांग होते हैं। ठीक है, इस तरह के जो मुखांग होते हैं वो जो संघ आर्थ्रोपोडा है उसके जो इंसेक्टा वर्ग में भी कुछ गण, खास करके तीन विशेष गण हैं उसमें, इसी तरह के मुखांग पाए जाते हैं। कौन कौन से गण हैं? ऑर्थोप्टेरा, इसमें कॉकरोच आता है, टिड्डा आता है। ठीक है, इनमें काटने और चबाने प्रकार के मुखांग ही होते हैं। इसके अलावा आइसोप्टेरा, जिसमें दीमक आती है, इसमें भी काटने और चबाने प्रकार के मुखांग ही होते हैं। इसके अलावा कॉलियोप्टेरा, इसमें बीटल्स आते हैं, भृंग आते हैं, बीटल्स, कॉलियोप्टेरा, इनमें भी काटने और चबाने प्रकार के मुखांग होते हैं। तो न केवल कॉकरोच या टिड्डा बल्कि बहुत सारे अन्य कीटों में भी काटने और चबाने प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, काटने और चबाने प्रकार के। तो हमने पहले इसके मुखांगों की विशेषता देखी, कैसे होते हैं, काटने और चबाने प्रकार के होते हैं। फिर बात करते हैं इसके मुखांगों के भाग कौन कौन से हैं, कौन कौन से मुखांग इसमें पाए जाते हैं। तो कॉकरोच में टोटल पांच प्रकार या पांच भाग होते हैं मुखांगों के। कितने होते हैं? पांच होते हैं। नीट में एक बार इसी से संबंधित सीधा सीधा प्रश्न आया था, इस तरह चित्र दिया हुआ था बगैर नामांकित के, और पूछा गया था इसमें ए बी सी डी ई करके, और आपसे तालिका में मिलान करने के लिए कहा कि इनको सही मिलान कीजिए कि कौन सा भाग कौन से भाग को दर्शा रहा है। ठीक है, तो आपको पहले चीज आपको ये नोट करना है कि आपको याद रखना है, चित्र भी आपको याद रखना है कि कौन सा भाग कौन सा है, ये देखना है। ठीक है, तो इसमें पांच प्रकार के मुखांग होते हैं। सबसे पहला जो मुखांग है वो है लेब्रम, इसे अपर लिप भी कहते हैं, ऊपरी ओस्ट, अपर लिप, ये संख्या में एक होता है, ये जो संरचना है ये लेब्रम ऊपरी होठ होता है, संख्या में एक होता है। दूसरा है मैंडिबल, मैंडिबल ये संख्या में दो होते हैं, और ये जो संरचना है ये मैंडिबल होती है। ठीक है, संख्या में दो होते हैं दोनों साइडों में। तीसरी जो संरचना है वो है मैक्सिले, ये भी संख्या में दो होती है। ये जो संरचना आप देख रहे हो तीसरे नंबर पे ये बनाई है, ये मैक्सिले होती है। क्या होती है? मैक्सिलरी होती है। ये भी मैक्सिले भी दो प्रकार की, दो होती है संख्या में, एक इधर और एक दूसरी ओर होती है। चौथी जो है वो संरचना यहाँ ये जो मैंने बनाई है ये है, इसे कहते हैं लेबियम। ध्यान रखना, ऊपरी होठ लेब्रम, निचला होठ लेबियम। ठीक है, ये नाम में कंफ्यूज नहीं होना, ऊपरी जो होठ होगा वो लेब्रम, निचला होठ जो होगा वो लेबियम, ये संख्या में एक होता है। और इसका जो पांचवा भाग है जो बीच में होता है, मध्य में होता है, इसकी ओरल कैविटी में होता है, उसको हाइपोफेरिंग्स कहते हैं, हाइपो फेरिंग्स, ये भी संख्या में एक होती है। इस तरह अगर इनकी टोटल संख्या देखी जाए तो सात होंगी। कितने? सात पार्ट्स होते हैं, लेकिन प्रकार तो है इसके पांच ही।
ठीक है, इस तरह ये जो पांच है, ये चौथा भाग मैंने बताया निचला होंठ लेबियम, और ये पांचवा भाग है हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके डिटेल से समझते हैं कि कौन सा भाग क्या है, क्या उसका कार्य है, क्या उसकी विशेषता है। सबसे पहले बात करते हैं पहला भाग लेब्रम। यहाँ जो आप ये देख रहे हो, इस तरह की संरचना होती है लेब्रम की। ठीक है, ये जो लेब्रम जो है, यह है लेब्रम मस्तिष्क। इसका जो सिर होता है, इसका जो हेड होता है, उस हेड के तीसरे खंड से जुड़ा होता है। हेड के इसका जो थर्ड खंड जो होता है, इसका जो तीसरा खंड जो होता है, ये उससे जुड़ा होता है। ठीक है, जिसे क्लाइपियस कहते हैं, तो ये क्लाइपियस से जुड़ा होता है, क्लाइपियस से जुड़ा होता है। पहली बात, लेब्रम किससे जुड़ा हुआ है? इसका हेड का जो तीसरा पार्ट क्लाइपियस, क्लाइपियस जो है उससे जुड़ा हुआ होता है, क्लाइपियस से ये जुड़ा हुआ होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? जैसा मैंने वहां दर्शाया, इसकी संख्या एक होती है। इसे ऊपरी ओस्ट या ऊपरी होंठ, अपर लिप भी इसे कहते हैं। ये काइटीन का बना होता है, काइटीन का ये बना हुआ संरचना है और चल प्रकार का होता है, मोटाइल होता है, ये गति करता है, थोड़ी बहुत ये गति करता है, चल प्रकार का होता है। इसके ऊपर इस तरह कुछ संवेदी रोम पाए जाते हैं। ठीक है, और वो भी किस प्रकार के? स्वाद संवेदी, इस पर स्वाद संवेदी रोम पाए जाते हैं, गस्ट्रेटरी हेयर्स पाए जाते हैं, गस्ट्रेटरी हेयर्स पाए जाते हैं, स्वाद संवेदी रोम पाए जाते हैं। अब इसका काम बहुत आसान हो गया। अगर स्वाद संवेदी रोम है तो काम क्या करेगा? पहला और महत्वपूर्ण काम, ये स्वाद का ज्ञान करवाएगा। इसे क्या कार्य करवाएगा? स्वाद का ज्ञान करवाएगा, और साथ ही साथ यह भोजन के कणों को बाहर निकलने से रोकता है। ये अपर लिप का काम कर रहा है, ऊपरी होंठ बना रहा है। ऊपरी होंठ और निचला होंठ, ये दोनों मिलकर भोजन को रोके रखने का कार्य करते हैं, मुख गुहा से बाहर नहीं निकलने देते हैं। ठीक है, तो इसका जो कार्य हो गया, वो क्या 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 कार्य हो गया? पहला स्वाद का ज्ञान करवाना इसका हो गया, दूसरा भोजन कणों को बाहर निकलने से रोकेगा, भोजन कणों को रोकना, ठीक है, भोजन कणों को मुख्य गुहा से बाहर निकलने से रोकने का काम ये अपर लिप और लोअर लिप ये दोनों करते हैं। ऊपरी होंठ और निचला होंठ, ये दोनों यही कार्य करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज हमने देखी लेब्रम, क्या विशेषता? ये शीर के तीसरे खंड क्लाइपियस से जुड़ा होता है, संख्या एक, इसे ऊपरी होंठ भी कहते हैं, काइटीन की एक चल संरचना है, इस पर स्वाद संवेदी, स्वाद से टेस्ट रिलेटेड जो है वो हेयर्स पाए जाते हैं, और भोजन कणों को रोकने का भी ये कार्य करता है। ठीक है, दूसरी संरचना जो है वो है मैंडिबल। ये संख्या में दो होते हैं। ठीक है, दूसरी जो संरचना अब यहां मैं जो बता रहा हूं आपको, वो है मैंडिबल, और इसी के नाम पर इनके दांतों को, इसके सॉरी इसके मुखांगों को मैंडिबुलेट प्रकार के मुखांग कहते हैं, मैंडिबुलेट, क्योंकि ये ही सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका। ठीक है, काटने और चबाने का जो वास्तविक कार्य कर रहा है वो मैंडिबल्स ही कर रहे हैं। ठीक है, मैंडिबल्स जो है उनकी संख्या कितनी होती है? ये दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, होते कहाँ है इसकी स्थिति? तो ये जो लेब्रम होते हैं, उस लेब्रम से नीचे, लेब्रम से नीचे पार्श्व स्थिति में ये होता है। कहाँ होता है? लेब्रम से नीचे और पार्श्व साइडों में ये पाया जाता है। तो ये होता कहाँ है? लेब्रम से नीचे पार्श्व भागों में ये पाया जाता है। संख्या में इसकी दो है। ये जो है वो दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कठोर, काइटीन के बने हैं, और इनकी अगर आकृति देखें तो त्रिभुजाकार होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिभुजाकार, त्रिभुज जैसे होते हैं। इसका आकार कैसा होता है? त्रिभुज जैसा इसका आकार होता है, दृढ़ काइटीन के बनी त्रिभुजाकार संरचना ये होती है।
ठीक है। इस संरचना में ये जो मैंडिबल्स होते हैं इसके भीतरी भागों पर देखे जाए तो इस तरह आरी में जो दांत होते हैं बस आरी के जैसे दांतों की जैसे इसमें संरचनाएं पाई जाती है। इस संरचनाओं को डेंटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिकल्स कहते हैं। ये जो इस संरचनाएं बनी हुई है इन्हें डेंटिकल्स बहुवचन में बोले तो डेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है। और चूंकि डेंटिकल्स है आरी जैसे दांत है तो काम क्या करेंगे? काटने का। जैसे हमारे दांत होते हैं डेंट यानी कि दांत ही होता है ना, तो दांत की जैसी संरचनाएं हैं तो ये कार्य क्या करेंगे? पौधे की पत्तियों को उनके मुलायम भागों को तने के मुलायम भागों को उनको काटने का ये कार्य करेंगे, काटना और उनको चबाने का कार्य करेंगे। ये डेंटिकल्स जो है कहा मैंडिबल्स के भीतरी सतह पर है ये है, ठीक है। काटने और चबाने का वास्तविक कार्य कौन कर रहे हैं? डेंटिकल्स कर रहे हैं, डेंटिकल्स। इसके ऊपरी भाग पर, इसका जो ये ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग पर वास्तव में ये इस तरह ऊपर की तरफ मुख नहीं होता, इनका ऐसे होता है। तो ये जो हिस्सा है वास्तव में ऊपर होता है कॉकरोच में, तो ये जो ऊपरी भीतरी भाग है यहाँ एक इस तरह एक गद्दीनुमा संरचना होती है, उसे प्रोस्थीका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्थीका कहते हैं। तो इसमें एक और संरचना है प्रोस्थीका, एक गद्दीदार संरचना होती है इसके ऊपरी भीतरी भाग में। इसका ऊपर का जो भीतर की भाग है वहां एक विशेष संरचना होती है जिसे प्रोस्थीका कहते हैं, प्रोस्थीका। और इस प्रोस्थीका पर संवेदी रोम पाए जाते हैं, स्पर्श संवेदी रोम पाए जाते हैं, संवेदी रोम पाए जाते हैं जो स्पर्श का ज्ञान करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने दो संरचनाएं देखी, लेब्रम और दूसरा मैंडिबल्स। दूसरा क्या है? मैंडिबल्स, ठीक है। मैंडिबल्स की खास बात, महत्वपूर्ण कार्य इनका ये काटने और चबाने का वास्तविक कार्य है वो कौन कर रहा है? मैंडिबल्स। काम क्या है इनका? काटना और चबाना, ये कार्य करते हैं मैंडिबल्स, ठीक है। अब मैं इसे मिटाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो हमने दो संरचनाएं देखी, लेब्रम और मैंडिबल। तीसरी संरचना की बात करें वो कहलाती है मैक्सिली। तीसरी इसकी जो संरचना है वो है मैक्सिली। मैक्सिली जो होती है वो संख्या में दो होती है, मैक्सिली संख्या में दो होती है, मैक्सिली संख्या में दो होती है, ठीक है। यहां जो आप ये संरचना देख रहे हो इसे मैक्सिली कहते हैं, ये भी संख्या में दो, एक इधर और एक दूसरी साइड में। होती कहाँ है? ये डेंटिकल्स के नीचे पार्श्व साइड में पाए जाते हैं। तो तीसरे नंबर की संरचना है वो है मैक्सिली। पहली बात, इसकी स्थिति कहाँ है? तो ये मैंडिबल्स के नीचे पार्श्व साइड में। मैंडिबल जो है उससे नीचे और पार्श्व भाग में ये पाया जाता है मैक्सिला, ठीक है। ध्यान रखना ये हेड के तीसरे खंड पे है, क्या? लेब्रम। बहुत आसान है, क्रम से याद करते जाओ। मैंडिबल जो है वो हेड के चौथे खंड पे, ये जो है वो फोर्थ सेगमेंट जो है हेड का उस पर पाई जाती है, और ये जो मैक्सिली है ये सिर के पांचवें खंड पर पाई जाती है, और ये जो चौथी संरचना है लेबियम ये सिर के छठे खंड पर पाई जाती है। बहुत आसान है, इसी तरह क्रम में। ये तो मध्य में होती है हाइपोफेरिंक्स, इसकी गुहा में, मुख गुहा में होती है, तो इसलिए इसके बारे में याद करना है नहीं। दूसरा, मैक्सिबल जो है, मैक्सिली जो है वो होती कहाँ है? ये हेड जो है इसका जो शीर्ष या सिर जो है उसके पांचवें खंड पर ये पाई जाती है मैक्सिली, ठीक है। इसकी जो भाग होते हैं, ये जो मैक्सिला होते हैं, मैक्सिला, इसके तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इसके तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला प्रोटोपोडाइट, दूसरा एंडोपोडाइट,
और तीसरा एक्सोपोडाइट। पहले या इसे चित्र में समझो, आपको ये तीनों नाम अभी याद हो जाएंगे बहुत आसान तरीके से। देखो ये जो संरचना यहाँ आपको दिख रही है ये है मैगजिला की। क्या, किसकी संरचना है? मैगजिला। किसकी है? मैगजिला। इस मैगजिला में ये जो भाग अलग अलग बना रखे हैं इनके आपको एक एक के नाम याद रखने हैं। पहला जो इसका जो आधारी भाग है इसे कार्डो कहते हैं। कार्डो पहला ये जो भाग है ये कार्डो कहलाता है। फिर दूसरा इसके 90 डिग्री के कोण पर एक और इसी तरह की संरचना होती है, उसे स्टाइप कहते हैं, स्टाइप्स कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक और संरचना लगी होती है उसे लेसिनिया कहते हैं। और उसके शीर्ष पर ये जो संरचना आप देख रहे हो उसे गैलिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो चार संरचनाएं देखिए हमने। कार्डो, कार्डो से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए स्टाइप्स, स्टाइप्स के ऊपर लेसिनिया और लेसिनिया के ऊपर एक और संरचना होती है जिसे गैलिया कहते हैं। गैलिया, ये जो लेसिनिया होता है, लेसिनिया इससे एक काइटिन की अतिवृद्धि बाहर निकलती है। ये जो काइटिन की अतिवृद्धि है जो बाहर निकल रही है इसे पैल्पिफर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैल्पीफर, पैल्पीफर कहते हैं। लेसिनिया की अतिवृद्धि पैल्पीफर, पैल्पीफर कहते हैं। इस पैल्पीफर पर एक तंतुनुमा संरचना पाई जाती है 5 खंडों की बनी हुई। इस तंतुनुमा संरचना को, चूंकि मैग्जिला पर यह तंतुनुमा संरचना है तो इसे मैग्जिलरी पाल्प कहते हैं। मैग्जिलरी पाल्प कहते हैं, मैग्जिलरी पाल्प कहते हैं। ठीक है, तो इस मैग्जिला के 5 महत्वपूर्ण भाग यहां आपको नजर आए, कार्डो, स्टाइप्स, लेसिना, लेसिनिया, गेलिया और मैग्जिलरी पाल्प। मैग्जिलरी पाल्प लेसिनिया से जुड़ा हुआ है पैल्पी फर नामक काइटिनस स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब इसके ये भाग देखो, प्रोटोपोडाइट। प्रोटोपोडाइट में ये 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, कार्डो और स्टाइप। प्रोटोपोडाइट में कौन से भाग हैं? कार्डो और स्टाइप्स। कार्डो और स्टाइप्स प्रोटोपोडाइट के भाग हैं। दूसरा एंडोपोडाइट, भीतर वाले पोडाइट। एंडो यानी अंदर, अंदर की तरफ है गेलिया और लेसिनिया, तो ये एंडोपोडाइट है। ठीक है, तो इसके भाग कौन से हो गए? लेसिनिया और गेलिया, लेसिनिया और गेलिया हो गए एंडोपोडाइट। एंडोपोडाइट से बाहर की ओर एक संरचना निकली हुई है, बाहर मुखांगों से बाहर निकली हुई एक संरचना, एक्सो, बाहर की ओर एक्सोपोडाइट। तो एक्सो में क्या हो गया? मैग्जिलरी पाल्प इसमें आ गया। ठीक है, तो मैग्जिला के 3 महत्वपूर्ण भाग, प्रोटोपोडाइट जिसमें कार्डो और स्टाइप्स आता है, एंडोपोडाइट जिसमें लेसिनिया और गेलिया आता है, एक्सोपोडाइट जिसमें मैग्जिलरी पाल्प आता है, मैग्जिलरी पाल पाता है। अब इसके कार्य क्या क्या है इन भागों के? तो ये जो प्रोटोपोडाइट होता है, कौन कौन से भाग? कार्डो और स्टाइप, ये दोनों के दोनों इस मैग्जिला को हेड के 5वें खंड से जुड़े रहने में सहायता करते हैं। ये हेड को हेड के 5वें खंड से जोड़ते हैं। किसको? मैग्जिला को। ये जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्डो और स्टाइप या प्रोटोपोडाइट जो है वो जोड़ने का कार्य कर रहा है। फिर एंडोपोडाइट में लेसिनिया और गैलिया, ये है लेसिनिया और गैलिया। लेसिनिया और गैलिया पर बहुत सारे संवेदी रोम पाए जाते हैं, बहुत सारे इस तरह देखो मैंने जो बना रखे हैं, संवेदी रोम पाए जाते हैं। और ये जो रोम है ये स्पर्श ग्राही भी होते हैं और साथ के साथ सफाई का कार्य करते हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ये सफाई का कार्य करते हैं। ये जो लेसिनिया और गैलिया जो है, लेसिनिया और गैलिया जो है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लेसिनिया और गैलिया ये सफाई का कार्य करते हैं। अब सफाई का कार्य करते हैं तो सफाई किसकी? ये एंटीना की सफाई करता है। कॉकरोच के हेड पे जो 2 एंटीना होते हैं उसकी सफाई का कार्य करते हैं। इसके अलावा इसका जो फर्स्ट पेयर जो लेग, इसका जो फर्स्ट पेयर
लेग जो है, इसकी जो शुरुआती जो टांगे हैं उनकी सफाई भी ये करता है। कुछ ये अपने पंखों की, इसके जो विंग्स है उनकी सफाई भी ये करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो गया इसका एंटीना, इसके अग्र पैर और पंखों की सफाई करने का कार्य करते हैं लेसिनिया और गैलिया। ठीक है, फिर बात करें तीसरा भाग जो है एक्सोपोडाइट, जिसपे संरचनाएं जो लगी हुई है मैक्सिलरी पाल्प। जो मैक्सिलरी पाल्प होते हैं ये पांच खंडों से मिलकर बना है। इसमें कितने खंड होते हैं? पांच खंड होते हैं और इसकी पूरी पर बहुत सारे संवेदी रोम पाए जाते हैं इस तरह। ठीक है, ये जो संवेदी रोम होते हैं वो वास्तव में स्पर्श ग्राही रोम होते हैं। कैसे होते हैं? स्पर्श ग्राही रोम होते हैं, स्पर्श ग्राही रोम इस पर पाए जाते हैं। मैक्सिलरी पाल्प पर स्पर्श ग्राही रोम, स्पर्श ग्राही रोम पाए जाते हैं जो इसे स्पर्श का ज्ञान करवाते हैं, टच महसूस करवाते हैं इसे। ठीक है, तो हमने तीसरा जो इसका भाग है मैक्सिलरी पाल्प वो हमने डिटेल से पढ़ा। ये मैंडिबल्स के नीचे पार्श्व भाग में हेड के पांचवें खंड पर पाए जाते हैं। संख्या में दो ये होते हैं। इसके भाग प्रोटोपोडाइट जिसमें कार्डोरिस टाइप्स, एंडोपोडाइट जिसमें लेसिनिया और गेलिया, एक्सोपोडाइट जिसमें मैक्सिलरी पाल्प। इसके हमने कार्य देखे, ये सफाई का कार्य कर रहा है। एंटीना, विंग्स, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स, इसकी सफाई का कार्य कर रहे हैं। मैक्सिलरी पाल्प ये स्पर्श ग्राही का कार्य कर रहा है। एक और इसका कार्य है, इस पूरी संरचना को अगर सम्मिलित रूप से इसका एक कार्य देखें तो ये भोजन को पकड़े रखने का कार्य करते हैं जब डेंटिकल्स उसे काटने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक तरह से सहारा प्रदान कर रहा है उस भोजन के, जो कपड़े जो भी ये खा रहे हैं, जिस चीज़ को खा रहे हैं, जैसे ये किसी पत्ती या तने के अगर भाग को खा रहे हैं तो ये उसे इसकी सहायता से, ठीक है, मैक्सिली की सहायता से उसे पकड़े रहते हैं और डेंटिकल्स के सामने, उसके सामने सम्मुख रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है, भोजन को डेंटिकल्स के सामने, उसके सामने प्रस्तुत करना और उसे थामे रखना, उसे पकड़े रहना खाने के लिए। ठीक है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, किसका? मैक्सिला का। ठीक है, मैक्सिला। इसके बाद में जो अगला चौथा भाग है वो है लेबियम। चौथा भाग है लेबियम, इसका चौथा भाग है लेबियम। लेबियम को लोअर लिप भी कहते हैं। लेबियम जो होता है उसे लोअर लिप, निचला होठ भी कहते हैं। ये जो चौथी संरचना आप देख रहे हो वो है लेबियम। ध्यान रखना है आपको लेब्रम और लेबियम में कंफ्यूज नहीं होना। लेब्रम ऊपरी ओष्ठ, लेबियम निचला ओष्ठ होता है। ठीक है, जो लेबियम है उसे हम लोअर लिप, निचला होठ, या इसे सेकंड मैक्सिली भी कहते हैं। ये फर्स्ट मैक्सिली है और इसे सेकंड मैक्सिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड मैक्सिली, सेकंड मैक्सिली भी कहते हैं। अब देखो सेकंड मैक्सिली होती क्या है। सेकंड मैक्सिली की पहली बात स्थिति, तो ये मस्तिष्क, इसका जो हेड होता है उस हेड के छठे खंड पे, तो ये जो हेड है कॉकरोच का उसके सिक्स्थ सेगमेंट या छठा जो खंड होता है इससे जुड़ा होता है लेबियम, और निचले होठ बनाने का ये कार्य कर रहा है। इसकी संख्या, संख्या कितनी होती है? एक। लेबियम जो होता है वो संख्या में एक ही होता है। कितना होता है? एक ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके भागों की। तो इसके तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसका जो आधारी भाग सबमेंटम कहलाता है, सबमेंटम कहलाता है, आधारी भाग सबमेंटम, जो लंबा चौड़ा होता है और इसके हेड का जो छठा खंड है उससे जोड़ने में सहायता कर रहा है। ठीक है, कॉकरोच का जो हेड है, शीर्ष जो है उसका जो छठा खंड है उससे जोड़ने में सहायता कर रहा है। कौन? सबमेंटम। किसे? लेबियम को। लेबियम को सबमेंटम हेड के छठे खंड से जोड़ने का कार्य कर रहा है।
उसके बाद में बीच का एक छोटा सा भाग मेंटम कहलाता है, मेंटम, और मेंटम के ऊपर एक और भाग है वो प्री मेंटम कहलाता है, प्री मेंटम कहलाता है, प्री मेंटम कहलाता है, ठीक है। फिर इस प्री मेंटम पर भी एक छोटी सी अतिवृद्धि पाई जाती है, काइटिन की बनी एक छोटी अतिवृद्धि, जैसे यहाँ ये बना रखी है, ये छोटी अतिवृद्धि जो है इसे पैल्पी जर कहते हैं, पैल्पी जर, पैल्पी जर कहते हैं, ठीक है। इस पैल्पी जर पर इस तरह तंतुनुमा संरचना बाहर निकली होती है दोनों तरफ संख्या में दो, क्योंकि तंतुनुमा संरचना है किससे निकल रही है, लेबियम वाले भाग से निकल रही है, इसे लेबियल पाल्प कहते हैं। ध्यान रखना यहां पर भी आप कंफ्यूज होंगे, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। मैग्जिला से जो पाल्प निकला वो मैग्जिलरी पाल्प, मैग्जिला से जो निकला वो मैग्जिलरी पाल्प पांच खंडों का, और लेबियम से जो निकला वो लेबियल पाल्प। ये जो दो आपको दिख रहे हैं सबसे बाहर उसे लेबियल पाल्प कहते हैं, ध्यान रखना है, लेबियल पाल्प, लेबियल पाल्प इसे कह रहे हैं, ठीक है। इस पर भी इसी तरह स्पर्श ग्राही रोम पाए जाते हैं, लेबियल पाल्प जो होता है उस पर स्पर्श ग्राही, स्पर्श ग्राही रोम पाए जाते हैं जो स्पर्श को, टच को महसूस करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसके तीन भाग, सबमेंटम, मेंटम, प्रीमेंटम, प्रीमेंटम पर एक अतिवृद्धि, पैल्पीजर, पैल्पीजर से जुड़ी हुई संरचना लेबियल पाल्प कहलाती है, लेबियल पाल्प कहलाती है, जो स्पर्श ग्राही संवेदी रोमों से पूरे घिरी हुई होती है जो स्पर्श को महसूस कराती है। इसके अलावा भीतर इसके दो और, इसी प्रीमेंटम पर दो जोड़ी और अतिवृद्धियां बाहर तंतुनुमा संरचनाएं निकली हुई है, जैसे पहले नंबर की ये दोनों तरफ सेम होती है, इसी तरह दूसरे नंबर की ये, इन दोनों को सम्मिलित रूप से, ये जो दोनों हैं इन्हें सम्मिलित रूप से लिंगुला कहते हैं, क्या कहते हैं, लिंगुला कहते हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से, यानी कि टोटल चार हो गई, दो 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 प्रकार की टोटल चार, इन्हें सम्मिलित रूप से लिंगुला कहते हैं, क्या कहते हैं, लिंगुला कहते हैं, ठीक है। बाहर जो है ये एक नंबर जिसको मैं आउटर जो भाग है, बाहर की तरफ ये जो दो नजर आ रही है और दो आपको अंदर नजर आ रही होगी, ठीक है, ये जो आउटर है उसे पेरीग्लोसा, पेरीग्लोसा, पेरी वर्ड हमेशा अराउंड के लिए यूज करते हैं, बाहर के लिए, क्योंकि ये बाहर है अराउंड है इसके, तो इसे पेरीग्लोसा, पेरीग्लोसा, संख्या में कितनी है, दो है, और अंदर की तरफ है तो उसे सिर्फ ग्लोसा, तो ग्लोसा के चारों ओर है तो पेरीग्लोसा, ग्लोसा के चारों तो नहीं, यहाँ दोनों ही बोलेंगे, ग्लोसा के दोनों ओर है तो उसे पेरीग्लोसा, ये भी संख्या में दो है, और दोनों पर देखो बहुत सारे इस तरह मैंने संवेदी रोम बना रखे हैं, दोनों पर, यानी कि ये सारे लिंगुला जो है उन सभी पर संवेदी रोम पाए जाते हैं, संवेदी रोम, और वो संवेदी रोम स्वादग्राही होते हैं, स्वादग्राही रोम इस पर पाए जाते हैं। ये जो भीतर दो संरचनाएं दिख रही है लिंगुला, इस लिंगुला पर, ठीक है, दो प्रकार की टोटल चार, इस लिंगुला पर स्वादग्राही रोम, स्वादग्राही रोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये संरचना हमने चौथी देखी लेबियम, लेबियम में सबमेंटम भाग, मेंटम भाग, प्रीमेंटम, इससे निकला पैल्पीजर और उससे दो बाहर निकली लेबियल पाल्प, लेबियल पाल्प जो है वो तीन खंडों का बना होता है, एक दो तीन खंडों का बना होता है, लेबियल पाल्प में कितने खंड होते हैं, तीन खंड होते हैं, कितने खंड होते हैं, तीन, और इनके अंदर चार और संरचनाएं होती है, दो पेरीग्लोसा बाहर की ओर, दो ग्लोसा भीतर की ओर, ये स्वादग्राही रोमयुक्त, स्वादग्राही रोमयुक्त होती है। तो काम क्या करेंगे ये स्वादग्राही का, देखो अब इस पूरे के काम अगर देखें लेबियम के, तो क्या क्या कार्य हो गए, लेबियल पाल्प स्पर्शग्राही है तो स्पर्श का महसूस करवा रहे हैं, लिंगुला स्वादग्राही है तो स्वाद का ज्ञान करवा रहे हैं, और इसे हम लोअर लिप कह रहे हैं, इसको हम
निचला होठ कह रहे हैं, निचला होस्ट कह रहे हैं, तो ये एक और कार्य करेगा, ये भोजन को रोकने का कार्य करेगा, मुख गुहा से बाहर निकलने से रोकने का कार्य करेगा, कौन? लेबियम। ठीक है, तो चौथा भाग हमने देखा लेबियम। इसके बाद जो पांचवा भाग है, ठीक है, इसका उसे हम कहते हैं हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। ये जो संरचना आपको नजर आ रही है इसे हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। हाइपोफेरिंग्स जो है इसकी मुख्य गुहा में पाया जाता है। ये जो इसका हाइपोफेरिंग्स है वो कहाँ होता है? मुख्य गुहा में। ये होता कहाँ है? मुख्य गुहा में। ठीक है, उसे प्री ओरल कैविटी कहते हैं, यानी कि इसकी मुख्य गुहा का भी जो प्रारंभिक भाग है, प्री ओरल है ना, प्रारंभिक मुख्य गुहा में ये पाई जाती है। इसके अलावा ये जितने भी भाग हमने पढ़े ये कहीं ना कहीं काइटिनियस होते हैं, काइटिन के बने होते हैं, लेकिन ये नॉन काइटिनियस होता है, इस पे किसी तरह का कोई काइटिन का आवरण नहीं होता। तो ये काइटिन जो है, काइटिन नहीं, एब्सेंट, इसमें काइटिन नहीं होता। ये तो मांसल संरचना होती है। कैसी? मांसल संरचना होती है, काइटिन नहीं पाया जाता, इस पर ध्यान रखना। अच्छा, आपको एक और जानकारी मैं दे दूं, जितने भी कीट होते हैं उन कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना है? काइटिन का बना है। अब आपके लिए साथ के साथ एक प्रश्न और देता हूँ कि काइटिन, चलो मैंने कीटों में तो बता दिया, पादपों में भी, पादप वर्गों में भी कहाँ काइटिन मौजूद है, ये आपको मुझे बताना है, कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि पादपों में काइटिन कहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ये नॉन काइटिनियस होती है, काइटिन का नहीं बना होता है। ठीक है, जीव जैसी संरचना है, इसकी विशेषता है कि ये एक तरह से जैसे हमारी जिह्वा होती है वैसे ये जिह्वा जीव टंग की तरह कार्य करता है। और इस पर ये जो है, ऐसे मैंने यहाँ नलिका सी एक बना रखी है, इस पर एक नलिका आकर खुलती है और वो होती है लार ग्रंथि की। तो लार ग्रंथि जो होती है वो लार ग्रंथि हाइपोफेरिंग्स पर ही आकर खुलती है। लार ग्रंथि कॉकरोच की कहाँ खुलती है? हाइपोफेरिंग्स पर। तो लार ग्रंथि की नलिका, लार जो ग्रंथि है उसकी नलिका कहाँ खुलती है? हाइपोफेरिंग्स पर। हाइपोफेरिंग्स पर खुलती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज हमने कॉकरोच के मुखांग देखे। 12th एग्रीकल्चर में टिड्डे के मुखांग भी दिए हुए हैं, तो वो भी एग्जैक्ट वैसे ही है, क्योंकि कॉकरोच और टिड्डा जो है वो दोनों में काटने और चबाने प्रकार के मुखांग ही होते हैं, जो इसी प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ पाँच इसके भाग देखे, लेब्रम, ये लेब्रम, मैंडिबल, मैग्जिला, लेबियल है ना, लेबियम, और लास्ट में हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स, ठीक है बच्चों, इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।